दोस्तों आज आपके लिए गुड न्यूज है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का आवेदन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 16/6/2020 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 15/7/2020 रात्रि 11:59 तक होगा। इसका लिखित परीक्षा 20/7/2020 को होगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आपको किसी प्रकार का मैनुअल या तो डाक द्वारा भेजे गए आवेदन को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों एक बार फिर बताते हैं, उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 16/6/2020 मध्याह्न 12 बजे से 15/7/2020 रात्रि 11:59 तक psc.cg.go.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 18/7/2020 से 24/7/2020 रात्रि 11:59 तक किया जा सकेगा। केवल एक ही बार त्रुटि सुधार का कार्य हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। दोस्तों पदों का नाम और पदों की संख्या का विवरण देते हैं। पहला है सहायक वन संरक्षण। दोस्तों इसके लिए इसका 19 पद है और 2 बैकलॉग पद भी हैं। और दूसरा है वन क्षेत्रपाल जिसका टोटल 157 पद है। दोस्तों दोनों पदों को मिला के टोटल 178 पद हैं। बाकी वर्ग वार विवरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका PDF फाइल आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड करके बाकी चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों आपको अर्हता के संबंध में कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों आपको इन विषयों अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी या 12वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात ये पोस्ट साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए बनाया गया है। और दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी विज्ञान, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में से कम एक विषय के साथ स्नातक या ग्रेजुएशन या समकक्ष अथवा अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में या तकनीकी किसी भी शाखा या विषय में ग्रेजुएशन या उसे बराबर समकक्ष होना चाहिए। शारीरिक मापदंड के संबंध में बताते हैं। दोस्तों न्यूनतम ऊंचाई दिया गया है। अनारक्षित और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पुरुषों के लिए होगा 163 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर और ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर और जो पुरुषों के लिए है और 145 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। सीना सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 74 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना विस्तार है महिला और पुरुष दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर है। और शारीरिक क्षमता परीक्षण में आपको 4 घंटे पैदल चलना होगा, जिसमें पुरुषों के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 26 किलोमीटर और महिलाओं के लिए जो सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है 16 किलोमीटर होगा। दोस्तों ये तो मुख्य बातें, बाकी चीज़ों के लिए आप PDF फाइल देख सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और दोस्तों एक अच्छा मौका है आपके लिए, तो जल्दी से अभी से आज से आप शुरू कर दिए इसकी तैयारी के लिए। कामयाब कदम की ओर से आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल कामयाब कदम को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, बस टाइप कीजिए fb.com/कामयाब कदम।